IMF ने क्रिप्टो करेंसी और रियल एस्टेट बिजनेस को टैक्स नेट में लाने का मुतालबा कर दिया। IMF जो कि आजकल पाकिस्तान से मुजाकरात कर रहा है, उसने IFBS से कहा है कि हाउसिंग स्कीमों में मुख्तलिफ प्लाटों की फाइलों की खरीदो फरोख के बढ़ते हुए कारोबार को टैक्स नेट में लाएं। आलमी मालियाती फंड IMF ने पाकिस्तान से कैपिटल गेंस टैक्स का दायरा वसी करने, क्रिप्टो करेंसियों को टैक्स नेट में लाने और दर्ज शुदा सिक्योरिटीज़ के सिलेबस के जायजे का भी मुतालबा कर दिया है। रियल इस्टेट के साथ साथ दर्ज शुदा सिक्योरिटीज़ के सिलेबस का भी जायज़ा लेने के लिए कहा गया है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि किसी भी मुद्दत के लिए असासे रखने के जाए तमाम मुनाफों पर टैक्स लगाया जाए। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स का मतलब है कि पाकिस्तान में ये करेंसी चलने का कानूनी इम्कान मौजूद है। IMF ने FBR से प्रॉपर्टी डेवलपर्स को पाबंद करने के लिए भी कहा है कि वो प्रॉपर्टी टाइटल्स की तकमील और रजिस्ट्रेशन से कबल तमाम ट्रांसफ़र्स को ट्रैक और रिपोर्ट करें। अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर इसकी तकमील को नाकाम रहता है तो कुछ जुर्माने आयद किए जा सकते हैं। इस सिफारिश के ज़रिए IMF ने FBR से कहा है कि वो हाउसिंग स्कीमों में मुख्तलिफ प्लाटों की फाइलों की खरीदो फरोख के बढ़ते हुए कारोबार को टैक्स नेट में लाए। IMF की ये सिफारिशात तौसी फंड सहूलत के तहत आइंदा बेल आउट पैकेज का हिस्सा बन सकती हैं और FBR फाइनेंस बिल के ज़रिए 2024 और 25 के अगले बजट का हिस्सा बनाने का पाबंद हो सकता है। IMF की तकनीकी मुआवनत की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तानी हुकाम को रियल इस्टेट में जायदाद फरोख्त से हासिल शुदा मुनाफे पर टैक्स का अंदाज़ा लगाने और जमा करने में चैलेंजेस का सामना है। जायदाद की कानूनी तकमील का रियल इस्टेट में मुनाफा आम तौर पर रजिस्टर्ड नहीं होता है। इस तरह जायदाद की कानूनी तकमील से पहले रियल इस्टेट के मुनाफे की इब्तदाई ख़रीदार से अगले को मुंतकली या उसके बाद रियल इस्टेट के किसी भी मुंतकली फ़िलहाल रिकॉर्ड के किसी भी निज़ाम में कैद नहीं है। नतीजतन मुनाफे की इस तरह की मुंतकली के ज़रिए बेचने वाले को ज़रिए हासिल करदा मुनाफे का एक नामुकम्मल जायदाद है, जिस पर आम तौर पर टैक्स नहीं लिया जाता। IMF ने कैपिटल गेन पर टैक्स लगाने को मजबूत बनाने के लिए इकदाम तजवीज़ किए हैं। एक तरीका यह है कि इस बात को यकीनी बनाकर कैपिटल गेन टैक्स की ताबे असासों को इकसाम की वसी किया जाए कि सरमायाकारी के असासों के नए इकसाम जैसे क्रिप्टो करेंसी कैपिटल गेन टैक्स के दायरा कार में हों। IMF ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ज़ाती मंकूला जायदाद के मायनों में तरामीम लाने की सिफारिश की है, ताकि किसी भी जायदाद पर मुश्तमिल केज आल ज़मरा शामिल किया जाए जो तजारत या असासों में स्टॉक ना होने के बजाय सरमायाकारी के तौर पर होने के काबिल हों, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मकसद के लिए कदर में कमी करता हो या कर्जे को बिला एकसात उतारता हो। IMF ने रियल इस्टेट और लिस्ट सिक्योरिटीज़ पर टैक्स सिलेबस पर नज़रसानी का मुतालबा किया, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि इस तरह के तमाम मुनाफों पर सरमाया आमदनी के लिए मुनासिब शरह पर टैक्स लगाया जाए और इस शक को ख़त्म किया जाए कि एक बार एक मखसूस मुद्दत के लिए बुनियादी असासे रखने के बाद कैपिटल गेन पर टैक्स ख़त्म हो जाता है।